हेलो एंड वेलकम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। अरे साउंड सब कुछ क्लियर है। गुड मॉर्निंग अभिषेक। अभिषेक कुमार अभिषेक आईडी से कौन है? कुमार अभिषेक के आईडी से कौन है? प्लीज एक बार सब कुछ कंफर्म कर लीजिए। इज एवरीथिंग इज फाइन और नॉट? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभिषेक। अमन कुमार। देन अमन कुमार अभिषेक आपने लिखा है? आपने कुमार अभिषेक लिखा है? चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अपने क्लास को शुरू करते हैं आज का। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी स्टार्ट द क्लास। नाउ ओके। सही आ रहा था फोटो। ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना। तो हमारा जो आज पढ़ना है वो चैप्टर, सॉरी पेज नंबर 4 है। हमारा जो आज है पेज नंबर 4 अब इस पेज नंबर 4 में आपने कल पढ़ा था कर्सर इज नॉट वर्किंग। नाउ फाइन, कर्सर काम नहीं कर रहा था। तो हमने यहां तक पढ़ लिया था। आज से हमारे पढ़ने की बारी है यहां पे। अब क्या क्या आज आपको जानना है वो चीज समझिए। आज आपको जानना है बेसिकली तीन चीज हमको पढ़ना है। सबसे पहला नेशन स्टेट क्या होता है या नेशन क्या होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है प्लेबिसाइट क्या होता है। फिर हमें पढ़ना है अर्नेस्ट रेनन के हिसाब से
नेशन स्टेट का क्या मतलब था, ठीक है ना? अर्नेस्ट रेनन के हिसाब से क्या मतलब था? थोड़ा सा इसको और इधर लाना, चलो ये तीन जैसे पढ़ना है, एक एक करके हम चीजों को देखते हैं क्या मतलब होता है। सबसे पहले पेल्बिसाइट, सबसे पहले पेल्बिसाइट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग फिर से अर्नेस्ट रेनन के बारे में आएंगे। पेल्बिसाइट क्या होता है? पेल्बिसाइट एक ऐसा वोटिंग सिस्टम है, एक ऐसा वोटिंग सिस्टम, वो बेसिकली क्या है, ये वोटिंग सिस्टम है, बेसिकली क्या है, ये एक वोटिंग सिस्टम है जिसमें आपको चूज करना रहेगा। जैसे आपको दे दिया जाए लाइक ये समोसा दे दिया गया, आपसे पूछा गया खाना है या नहीं खाना, आपसे नहीं बोला गया कि क्या खाना है या नहीं खाना है, आपसे सीधा क्वेश्चन किया गया आपको ये खाना है या नहीं खाना, मतलब आपको आंसर किसमें देने के लिए बोल रहा है, हाँ या ना। कभी आपने कुछ बदमाशी किया, कुछ ये किया, परेशान किया किसी को, तो तुम किया है हाँ या ना ये बताओ, तो आपने बोला हाँ या ना। तो ये दोनों में जब भी एक ऐसा सिस्टम, ऐसा एक वोटिंग का सिस्टम आ जाए जिसमें केवल यश और नो में, मतलब प्रपोजल को या तो एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाए, ठीक है, या तो प्रपोजल को क्या कर दिया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, ठीक, क्लियर है? मतलब इफ समवन सेइंग आई लव यू, इफ समवन सेइंग आई लव यू, देन व्हाट यू विल डू, यू विल एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रपोजल, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए आपके जीवन में, whenever this condition happen, मतलब जब भी वोटिंग का सिस्टम जिसमें आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए कहा जाए, इस तरह के वोटिंग सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेबिसाइट बोलते हैं। मतलब क्या है, ए डायरेक्ट वोट बाई विच पीपल आर आस्क्ड फॉर व्हाट, किस चीज के लिए बोला जा रहा है, टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल, टू एक्सेप्ट अ रिजेक्ट अ प्रपोजल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा टॉपिक हम लोग को आज जानना है वो क्या है, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट, नेशन स्टेट क्या होता है? एक नेशन स्टेट का मतलब क्या है, एक शेयर्ड कल्चर के कारण, मतलब एक मान लीजिए ये एरिया है, ये एरिया के लोग एक दूसरे को ये समझ रहे हैं, हम लोग किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं, है ना। तो नेशन स्टेट इसी को बोलते हैं, मतलब एक नेशन स्टेट मतलब क्या, एक कंट्री, कोई भी कंट्री का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन कंट्री बना, तो तीन कंट्री इंडिया के जो एरिया में, जो भी इंडिया एरिया है, ये एरिया के लोग क्या समझ रहे थे कि हम लोग एक है इसलिए एक इंडिया बना। जो पाकिस्तान एरिया के जो लोग थे वो अपने आप को समझ रहे थे कि वो एक एरिया से है, तो वो एक एरिया से है, तो वो लोग अपने आप को एक समझ रहे थे, तो वो पाकिस्तान बना। फिर उसी तरह बांग्लादेश समझ रहे थे कि हम लोग किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब वो क्या है, बांग्लादेश बना। तो मतलब क्या, नेशन स्टेट क्या है, एक स्टेट है, एक स्टेट है इन विच अ ग्रेट मेजोरिटी, जिसमें जो ज्यादातर जो संख्यक बहुसंख्यक वर्ग जो है, बहुत जो सबसे ज्यादा मान लीजिए 100% लोग है, तो 70-80% 90% लोग क्या देख, एक दूसरे का कल्चर एक दूसरे को शेयर कर रहा है, मतलब सेम कल्चर के साथ रह रहा हो, ठीक है ना। कल्चर इस फॉर्म में नहीं कि मतलब दोनों मतलब एक ही धर्म का हो, है ना, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कल्चर बहुत तरीका से देखा जा सकता है, दोनों का भाषा एक हो, दोनों का रहने का सहने का तरीका एक हो, इसको हम लोग कल्चर बेसिकली बोलते हैं, और हम लोग डिटेल इसके बारे में देखते हैं। नेशन स्टेट क्या है, मींस कॉमननेस अमंग द पीपल। कॉमननेस मतलब क्या है, जो एरिया, जिस एरिया की हम बात कर रहे हैं, इस एरिया में कुछ ना कुछ आपस में लोग को क्या दिख रहा है, कॉमननेस दिख रहा है, कॉमन चीज दिख रहा है, ओके। जस्ट अ मोमेंट, पिक्चर को कर देते हैं छोटा, ठीक है, अब ठीक होगा। तो कॉमननेस मतलब जब एरिया की बात कर रहे हैं, इस एरिया में अगर ये एरिया है, इस एरिया में लोगों को एक दूसरे के अंदर कुछ कॉमननेस दिख रहा है, तो इसे नेशन स्टेट, मतलब इसीलिए हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नेशन स्टेट मींस कॉमननेस, नेशन स्टेट मींस कॉमननेस, मतलब कॉमन चीजें आपस में अमंग द पीपल, ठीक है।
अब ये कॉमननेस क्या है? कॉमननेस डिज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोरियल, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको टाइम इमोरियल का मतलब समझिए, टाइम इमोरियल, ठीक है, मतलब इसको अगर हिंदी की बात करें तो अनंत काल, मतलब कब से हो रहा है ये आपको नहीं पता है, बहुत लंबे समय से चल रहा है। तो क्या कॉमननेस एक लंबे समय से चल रहा है टाइम इमोरियल, वो टाइम आपको स्पेसिफिक पता नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत ही देख लीजिए, भारत क्या है, अभी 100 साल 200 साल पहले बना है ना, मतलब एक नेशन स्टेट के रूप में तब इमर्ज हुआ, उसी तरह पाकिस्तान, उसी तरह यूरोप, फ्रेंच, सब कुछ जो है क्या है, एक हाल फिलहाल का चीज है, मतलब ये टाइम मेमोरियल नहीं है, अनंत काल से, ऐसा नहीं है कि अनंत काल से बनते जा रहा है नेशन स्टेट, तो ये टाइम मेमोरियल नहीं है। कॉमननेस मतलब एक दूसरे के प्रति कॉमननेस जो आ रहा है ये टाइम मेमोरियल नहीं है, मतलब अनंत काल से नहीं आ रहा, ये कैसे हुआ है? इट वॉज फॉल्स, फॉल्स मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ाव, किस कारण से जुड़ा हुआ है? इट वॉज फॉल्स थ्रू स्ट्रगल्स, किसके कारण हुआ है? स्ट्रगल्स के कारण, स्ट्रगल जब एक ही लोग के भीतर एक ही के कारण, जैसे आपने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल हमने जैसे किसके खिलाफ किया है, हम लोग कॉमन स्ट्रगल किसके खिलाफ हमने किया है? ब्रिटेन के खिलाफ, चाहे हमारे यहाँ के लीडर हो, चाहे हमारे यहाँ के किंग हो, चाहे हमारे यहाँ के कॉमन पीपुल हो, सब लोगों ने किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी? तो ब्रिटेन के खिलाफ। तो ये हम लोग को क्या दर्शाता है? हम लोगों ने स्ट्रगल किया किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ। ये हम लोग का आपस में क्या दिखाता है? कॉमननेस दिखाता है, ठीक है ना। तो कॉमननेस किसके कारण आया? तो स्ट्रगल के कारण आया, ठीक है। टॉप लेफ्ट में भी वो चीजें था, इसलिए टॉप लेफ्ट में नहीं किया हमने, अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक? क्लियर है तो प्लीज थंब लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब असली हम आते एनसीईआरटी बुक पे, हमारा पेज नंबर 4 आपके सामने होना चाहिए। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, पहला पैरा पढ़ लिया था इसका, और एक पैरा बचा है, और उसके बाद ये जो सोर्स है, ये जो सोर्स है यहाँ देख रहे हैं आप, ये सोर्स बचा है, और दो, और ये तीसरा जो है हमारा न्यू वर्स, ये बचा है। तो आज बेसिकली हमने 3 क्वेश्चन किया। पहला क्वेश्चन की डिफाइन पेल्विसाइट, तो पेल्विसाइट का मतलब समझ में आ गया। फिर हमने दूसरा क्वेश्चन किया कि नेशन स्टेट का क्या मतलब, वो भी क्वेश्चन हो गया। और तीसरा और आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये जो डिस्कस करने के लिए बोल रहा है क्या है, समराइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेशन एज अ रेनन अंडरस्टैंडिंग, मतलब नेशन का मतलब रेनन के हिसाब से क्या मतलब था, ये समझाइए, इसको समराइज करिए। और फिर क्या अगला क्वेश्चन फिर इसी में क्या बोल रहा है, व्हाई इन हिज व्यू, क्यों इनके मतलब में, क्या इनके व्यू में नेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब एक तो पहले आपको नेशन के बारे में बताना है किसके अकॉर्डिंग टू रेनन, फिर उनके बाद उसके बाद उसी क्वेश्चन के अंदर क्या बताना है, क्यों इनके हिसाब से, किनके हिसाब से, रेनन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए देखिए, आइए हमारा ये क्वेश्चन, अर्नेस्ट रेनन के हिसाब से व्हाट इज अ नेशन, इन अ लेक्चर डिलीवर्ड, एक एक लाइन पढ़ते हैं फिर हमको यहाँ से हम लोग अपने कंटेंट को छाटेंगे। इन अ लेक्चर कहाँ पे डिलीवर किए थे, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बन, कब किए थे, 1882 के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ एक बार खाली नाम एक झलक देखना है आपको, ये मेमोराइज केवल कर लेना है, ठीक है ना, एग्जाम में चांसेस कम है इसका आने का। कब लेक्चर डिलीवर किए थे, 1882 में, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ सॉर्बन, कौन किए थे, तो अर्नेस्ट रेनन, कौन ये क्या थे भाई, ये क्या थे, फ्रेंच फिलोसोफर, फिलोसफी समझते हैं ना, जो डीलिंग पानी करता है, फ्रेंच फिलोसोफर थे, ठीक। और ये क्या काम किए, फ्रेंच फिलोसोफर थे ये, अर्नेस्ट रेनन क्या काम किए, आउटलाइन हिज अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेक्स अ नेशन, बेसिकली क्या किए, ही आउटलाइंड पर वो क्या आउटलाइन किए, मतलब आउटलाइन मतलब क्या, एक तरह से स्ट्रक्चर ये तैयार किए, मतलब ये के बीच में जो लोग रहेगा वही यहाँ होगा, है ना, मतलब एक आपको फ्रेमवर्क बता दिए किसके बारे में, कि नेशन स्टेट के बारे में फ्रेमवर्क तैयार करिए, कि कौन कौन नेशन स्टेट, कैसे हम बोलेंगे कि नेशन स्टेट होता है। और जब भी आप कोई थ्योरी देते हैं उससे पहले हमेशा जो नियम, दुनिया का नियम है वो क्या है, सबसे पहले आप पिछला थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं,
मतलब पिसा थ्योरी को बताते हैं ये गलत थ्योरी है, उन्होंने भी यही काम किया, उन्होंने भी यही काम किया। ये क्या किया, इन हिज एसे, इन दिस एसे उन्होंने, अब ये जो लेक्चर उन्होंने दिया था, ये जो उन्होंने लेक्चर दिया था, ये लेक्चर बाद में एक एसे के रूप में छपा, किस नाम से, इंटाइटल किस नाम से, क्वेस्ट सी क्यूनन नेशन, मतलब फ्रेंच लैंग्वेज है, क्वेस्ट सी क्यूनन नेशन मतलब इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है, व्हाट इज अ नेशन, ठीक है ना। इस रूप में एक ये एसे छपा था, जो क्या थी? कौन सा एसे, जो इन्होंने लेक्चर दिया था किसके ऊपर, ये नेशन स्टेट के बारे में, तो ये एसे छपा था क्वेस्ट क्यूनिन नेशन के रूप में, जो ये फ्रेंच लैंग्वेज इस टाइटल के नाम से छपा था, जिसका मतलब होता है व्हाट इज अ नेशन। और इस एसे के अंदर, इस एसे के अंदर क्या किया रेनन ने, मैंने अभी बताया आपको, ही क्रिटिसाइज्ड, क्या चीज को क्रिटिसाइज किए, जो नोशन, नोशन इज मतलब, नोशन का मतलब होता है आपको अवधारणा, ठीक है ना, या धारणा, नोशन का मतलब क्या होता है, धारणा मतलब आप किसी के बारे में बना रखे, सपोज दैट आप किसी आदमी से, व्यक्ति से नहीं मिले और आप मन में बना रखे कि कैसा होगा, ठीक होगा कि नहीं, उसको कुछ आता होगा कि नहीं, तो ये क्या हो गया, धारणा, आपने पहले प्री डिफाइंड आपने अपने दिमाग में उसके बारे में पिक्चर बना लिया, ठीक है। तो ही क्रिटिसाइज, कौन क्रिटिसाइज, रेनन, किसके बारे में क्रिटिसाइज किया, द नोशन, जो धारणा बना हुआ था, क्या चीज का धारणा, नोशन सजेस्टेड बाय अदर्स, मतलब जो धारणा बनाया गया था दूसरे के द्वारा, दैट क्या धारणा था, ये नेशन इज फॉर्म्ड बाय कॉमन लैंग्वेज, रेस और रिलीजन, मतलब क्या धारणा था कि नेशन जो है, नेशन जो है वो, ये क्या धारणा था कि दैट अ नेशन इज फॉर्म्ड बाय कॉमन रेस रिलीजन, ठीक है ना, एक्सेट्रा, ठीक, मतलब क्या धारणा बना हुआ था पहले से, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अर्णव, क्या धारणा बना हुआ था कि नेशन के बारे में, कि नेशन तभी बन सकता है जब लोगों के बीच कॉमन रेस, मतलब एक ही जाति का लोग हो, एक ही धर्म का लोग हो, एक ही रंग रूप का लोग हो, एक ही तरह का कल्चर हो, इस तरह का चीज जो धारणा बना था वो उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो जब आप किसी चीज को क्रिटिसाइज करते हैं तो आपसे जमाना क्वेश्चन पूछता है, जब आप ये बोल रहे हैं गलत है तो बताइए आप ही सही क्या है, है ना, तो आप अब सही बता रहे हैं, ठीक है, तो आप सही, वो उन्होंने क्या बताया नेशन स्टेट के बारे में, अ नेशन इज अ क्यूमुलेशन ऑफ द लॉन्ग पास्ट। अब ये एक नया टर्म यहाँ पे आया आपको, क्यूमुलेशन, तो क्यूमुलेशन का मतलब क्या है, क्यूमुलेशन का मतलब क्या है आपको, क्यूमुलेशन का मतलब होता है आपको फाइनल रिजल्ट, क्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, फाइनल रिजल्ट, मतलब एक लंबे समय से आप काम कर रहे थे उसका रिजल्ट। तो नेशन क्या है, इट इज अ रिजल्ट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट, ऑफ लॉन्ग पास्ट, मतलब लंबे इतिहास का, क्या, कैसा इतिहास, ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है प्रयास, आपके द्वारा जो लंबे समय से कोशिश किया जा रहा था, जो स्ट्रगल किया था, साथ में सेक्रीफाइस का, बलिदान का, डिवोशन का, किसी काम के प्रति अपनी निष्ठा का, ये सब के जो मतलब आप क्या बोले, इंडिविजुअल्स मतलब एक लंबे समय का प्रयास, सेक्रीफाइस और डिवोशन के का जो एक रिजल्ट है वो क्या है, नेशन है, ठीक है ना। आप जैसे भारत ही आजाद हुआ, भारत एक नया देश के रूप में बना, एक लंबे समय से लड़ाई के बाद बना था, लंबे समय के सेक्रीफाइस के बना था, लंबे समय से डिवोशन में था, डिवोशन मतलब क्या, डेडिकेशन टुवर्ड्स डूइंग समथिंग, है ना, डिवोशन फॉर अ कंट्री, है ना। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है प्रयास और क्यूमुलेशन का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट, ठीक। हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन ग्लोरी, दैट इज सोशल कैपिटल अपॉन व्हिच वन बेसिस इज नेशनल आइडिया, टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, फिर क्या बोले कि मतलब नेशन स्टेट के लिए क्या होना चाहिए, टू हैव अ कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, मतलब सबका एक ही ग्लोरीज होना चाहिए, मतलब सबके लिए जो वीर गाथा है सबके लिए वही होना चाहिए, टू हैव अ कॉमन विल इन द प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी वही इच्छा होगी, अभी भी देश हमारा बने, टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर के उन्होंने कुछ काम किया हो देश को, मतलब एक नेशन को बनाने के रूप में, ठीक है। अब फिर उन्होंने फिर क्या बोला, अब ये बताया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया, किस बारे में, कि अगर ये मतलब नेशन का बनना क्यों जरूरी है, द एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन इज अ गुड थिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ नेशन क्या है, अच्छा चीज है, केवल अच्छा चीज नहीं है, साथ में ये क्या है, एक जरूरी भी है, ठीक है ना। क्यों जरूरी है भाई, तो इसके होने से क्या फायदा हो रहा है, देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी, इसके एग्जिस्टेंस मतलब इसके होने से क्या गारंटी दे रहा है, लिबर्टी को गारंटी दे रहा है, मतलब आपको फ्रीडम मिल रहा है, दैट इज फ्रीडम मिल रहा है, ये हमारा क्या है आपका, इसका फायदा है, ठीक है ना, इसके एग्जिस्टेंस से हमारा क्या फायदा हो रहा है, ठीक है ना, देयर एग्जिस्टेंस इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी। अब
मान लीजिए इसके होने से लिबर्टी मिला तो स्वाभाविक इसके नहीं होने से क्या होगा, विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड वन मास्टर। और ये जो हमारा हमको जो लिबर्टी मिला है ये खत्म हो जाएगा कब, जब पूरे विश्व के अंदर ओनली वन लॉ होगा और ओनली वन मास्टर होगा। क्लियर है, ओनली वन लॉ ओनली वन मास्टर होगा। चलिए अब फाइनल एक बार फिर से इसका आंसर के रूप में कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए। चलिए देखिए, तो अर्नेस्ट रेनन कौन थे, वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर हु आउटलाइन द आइडिया ऑफ नेशन और नेशन स्टेट। अर्नेस्ट रेनन क्या थे, एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने क्या बताया, वो आउटलाइन द आइडिया ऑफ नेशन और नेशन स्टेट। ठीक है ना, वो एक स्ट्रक्चर बना दिया कि ये इसका मतलब नेशन होता है। अब उसके बाद ये आउटलाइन किए, अब पहले सबसे पहले इन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज। हमेशा कीवर्ड याद रखना है, हमेशा कीवर्ड, पहला कीवर्ड क्या हो गया, आउटलाइन। ठीक है ना, आउटलाइन क्या किए, आइडिया को। ठीक है, उसके बाद क्या किए, क्रिटिसाइज किए, है ना। तो क्या क्रिटिसाइज किए थे, ही क्रिटिसाइज द आइडिया द नोशन, मतलब अवधारणा को ही क्रिएट किए, ये किए थे ना, जो धारणा बना हुआ था नेशन के बारे में, ही क्रिटिसाइज द नोशन, किसके द्वारा, सजेस्टेड बाय द अदर्स। और ये नोशन क्या था कि नेशन इज ओनली फॉर्म्ड बाय ए कॉमन लैंग्वेज, एक ही तरह का लैंग्वेज होगा तभी फॉर्म करेगा, एक ही तरह का रेस, एक ही तरह का रंग रूप होगा तभी फॉर्म करेगा, एक ही तरह का रिलीजन होगा तभी फॉर्म करेगा, और एक ही तरह का टेरिटरी होगा तभी फॉर्म करेगा। ठीक है, ऐसा हमारे खुद भारत को देख लीजिए ना, हमारे यहाँ लैंग्वेज क्या, बहुत प्रकार के लैंग्वेज है, हम लोग क्या रंग रूप क्या है, बहुत अलग, जैसे मम्मी को देख लीजिए, हम काले हैं और कोई गोरा है, कोई सांवला है, इस तरह का अलग अलग रंग है, अलग अलग रूप है, फिर भी लोग क्या है, एक ही देश के नागरिक है। हम लोग क्या, फिर देख लीजिए रिलीजन की बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या है, अगर हिंदू है, कुछ मुस्लिम है, कुछ सिख है, कुछ ईसाई है, फिर भी हम लोग एक देश के नागरिक है, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरह से मानते हैं। और टेरिटरी की बात कर रहे हैं, अलग अलग, पहले छोटा छोटा जो राज्य राजवाड़ा था, जो था वो सब मिलके फिर एक देश बना जो भारत के रूप में जाना गया। तो पहला कीवर्ड हो गया आपको आउटलाइन क्लियर, दूसरा क्रिटिसाइज। अब क्रिटिसाइज करने के बाद अब थ्योरी आपको देना है, तो अब अकॉर्डिंग टू रेनन नेशन स्टेट क्या है, अ नेशन इज द क्यूमुलेशन, क्यूमुलेशन मतलब फाइनल रिजल्ट, क्यूमुलेशन ऑफ व्हाट, ऑफ अ लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब प्रयास, सेक्रीफाइस एंड डिवोशन, एक लंबे समय का प्रयास, सेक्रीफाइस और डिवोशन के कारण जो रिजल्ट उत्पन्न हुआ है वही हमारा क्या है, नेशन है। ठीक, फिर और क्या बताते हैं नेशन स्टेट के बारे में, कि नेशन स्टेट फॉर नेशन स्टेट, मतलब जो नेशन स्टेट के लिए लोगों में और क्या क्वालिटी होना चाहिए, मतलब हैव कॉमन ग्लोरीज। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले थे, नेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, कॉमननेस अमंग द पीपल, कॉमननेस होना चाहिए पीपल के बीच, तो कॉमन ग्लोरीज होना चाहिए पास्ट के अंदर, और विल मतलब अभी भी इच्छा प्रेजेंट के अंदर वही होना चाहिए, और सब मिलके एक ही काम कर रहे हो, ग्रेट दिस टुगेदर, ये होगा तभी हम नेशन स्टेट का निर्माण कर सकते हैं। फिर हम लोग क्या, लास्ट क्या था, ये तो नहीं हो गया, उनका अपने बारे में बता दिए, फिर क्या बताए, और साथ में उस डराए भी, ठीक है ना, क्या डराए, नहीं होने से, मतलब पहले तो क्या बताए, होने से क्या होगा, तो इसके होने से क्या हो रहा है, इसके होने से क्या, लिबर्टी को गारंटी मिल रहा है। इससे पहले क्या है, क्या बोले कि नेशन जो है ये केवल अच्छा चीज नहीं है, साथ में क्या है, जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, आपके मन में क्वेश्चन आया, क्यों अच्छा चीज है, क्यों जरूरी है, यही क्या बता रहा है, इट इज अ गारंटी ऑफ लिबर्टी, ये लिबर्टी का गारंटी देता है। और जो कि लॉस्ट हो जाएगा, विच विल बी लॉस्ट, कब, जब पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर ओनली वन लॉ, केवल एक लॉ और केवल एक मास्टर होगा। जैसे एक व्यक्ति अगर पूरा पूरा विश्व के अंदर सत्ता चलाएगा और पूरे एक विश्व के अंदर एक ही लॉ होगा, तो क्या होगा, वो मोनोपोली हो जाएगा और देश गर्क में चला जाएगा। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया होगा, मजा आया होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए आज हम लोग सेशन खत्म करते हैं, आपका नोट्स बन चुका है, कल का भी आज का भी अभी मैं डाल दूंगा, वहां से लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा बाकी। और यही चीज आपको मैंने पीपीटी में बना दिया है, अगर कल से इसी तरह का रहेगा कि आपको कुछ भी बनाने का जरूरत नहीं होगा, नोट्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, पीपीटी ही से आप मोर देन सफिशियंट होगा, वहां से चीजों को आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।